हेलो एवरीवन, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर 2023-24 वो स्टार्ट हो चुका है। एज यू कैन सी, यूजी एडमिशन एंड पीजी एडमिशन थ्रू सीयूईटी। तो पीजी एडमिशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेरीज वगैरह लिखा है, तो यहाँ पे दो लिंक्स दिया है, यहाँ पे पीजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लिंक और एक है जनरल इंस्ट्रक्शन। उससे नीचे जाओगे तो आप लोगों को पीजी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स मिलेंगे, कुछ रिजल्ट्स, रीओपनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कैसे बनाना है इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग सिंपल सा लिखो यूट्यूब पे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बीइंग फार्मासिस्ट। तो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्या है, कैसे बनाना है एक्सेट्रा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पे पीजी रजिस्ट्रेशन पे आप लोग आ सकते हो। बट उससे पहले हम लोग सबसे पहले तो डिटेल्स को देख लेते हैं, यहाँ पे पीजी काउंसलिंग के जो डेट्स एंड ऑल द थिंग्स है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, एज यू कैन सी। हम लोग सबसे पहले डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग है 28/7/2023 3 PM ऑनवर्ड्स फ्राइडे से स्टार्ट हुआ है ये। और रजिस्ट्रेशन फी रखा गया है 100, जो कि नॉन रिफंडेबल, बहुत अच्छा है, एक लो फीस वाला है। एंड लिंक फॉर काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन रखा गया है ये, और क्लोज हो रहा है ये 6/8/2023 को 11:59 को, ठीक है। आफ्टर द लास्ट डेट द यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ द प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड द फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग विल बी नॉट कंसीडर्ड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑनलाइन, द मस्ट रेफर टू द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ओके, मेरिट लिस्ट आएगा, इसके रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिया है। अब अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए, जैसे कि समझ लो यहाँ से जाओगे इस पे तो फी स्ट्रक्चर को देख पाओगे, राइट, कितना किस पे फी स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फीस, कोर्स पे बी ए, एम एस सी, पी एच डी, पी जी डिप्लोमा, एम एड, सभी के लिए जो जैसे कोर्स है आप अपने हिसाब से देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। अगर ये देखना है आपको तो आप एकेडमिक्स पे जा सकते हो, कौन कौन से कोर्स, लाइक यहाँ पे स्कूल वाइज दिया है सारा कुछ, ठीक है। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे है तो रजिस्ट्रेशन लिंक, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे आप लोग जाके प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो सामर्थ के वेबसाइट से, ठीक है। और प्रोग्राम स्कीड्यूल पे जाके कौन कौन से प्रोग्राम का देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे, मतलब जो है मास्टर ऑफ साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट, एमएड, एमए आर्ट्स, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो सारे के लिए सेम है। एप्लीकेशन नंबर दोगे, रोल नंबर दोगे, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नीचे जाओगे तो एक ईमेल आईडी क्रिएट करना है आपको, एक पासवर्ड देना है उसका, मोबाइल नंबर देना है, फिर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद तो और भी सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले आप लॉगिन करोगे, फिर फॉर्म को फिल करोगे, सिंपल सा एक फॉर्म है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा उस डॉक्यूमेंट्स को आप लोग सबमिट करोगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट के बाद आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना है, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट आने के लिए वेट करना है। मेरिट लिस्ट का सारा डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा, जो ये वाला वेबसाइट आप देख सकते हो, यहीं पे थर्ड वाला आएगा, अगर एक्सटेंड होता तो अलग बात है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड ऐसे ही सारे एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।